थ्योरी एंड नोथ्रो फ्राइब नोथ्रो फ्राइव की एक बहुत ही आ, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी जिसका नाम द एटानी ऑफ क्रिटिसिज्म उसमें एक ऐसे था जिसका नाम द आर्किट ऑफ लिटरेचर वो इन्होंने दिया है फर्स्टली हम जानते हैं कि Uh, about the Northrop of North fry born in 14 july 1912 was a canadian literary critic and literary theorist considered one of the most influential of the of the 20th century Frye gained international fame with his first book fearful cemetery 1947 which led to the reinterpretations of poetry of william black his lasting reputations rest principally on the theory of literary criticism that he developed in an *Anatomy of Criticism*, which was published in nineteen hundred fifty-seven. One of the most important work of literary theory published in the twentieth century, the American critic Howard Bloom commented at the time of its publication that *Anatomy* establishes Fry as the फॉर मोस्ट लिविंग स्टूडेंट ऑफ वेस्टर्नस लिटरेचर फ्राई कंट्रीब्यूशंस टू कल्चर एंड सोशल क्रिटिसिजम एक्सपैंड अ लॉन्ग करियर ड्यूरिंग विच ही अर्न वर्स रिकोगनाइजेशन एंड रिसीव मैनी ऑनर्स ओके ये था अब हम जान ये था नॉर्थर फ्राई के बारे में अब हम जानते हैं कि वॉट इज अ आर्किटाइप वो आर्किटाइप होता क्या है फिर हम इस आर्किटाइप ऑफ लिटरेचर को समझ पाएंगे फर्स्टली हमें जानने की ज़रूरत है कि आर्किटाइप होता क्या है आर्किटाइप इज़ द सेकेंड मीनिंग ऑफ सिम्बल किसी भी चीज़ का सिम्बल जस्ट लाइक ये एक ग्रीक आर्किटाइप हो जैसे कि हमारा हमारी मैथोलॉजी से कुछ और हमारी मैथोलॉजीज में जैसे हम रामायणा को ले लेते हैं उसमें एक राम राम हैं राम को हम कंसीडर करते हैं एक बहुत ही मतलब पुरुषोत्तम राम कहा जाता है उन्हें वचन अपनी वचन को निभाने वाले तो वो सिंबल होते हैं एक आ, सिंबल है एक मतलब जेंटलमैन का है ना ऐसा कहते हैं कि वो सिंबल है जैसे सीता को ले लेते हैं वो एक पवित्र नारी या फिर बहुत ही आ, मतलब ऐसा एक सिंबल है सीता जी को भी अगर हम किसी से कंपेयर करते हैं कि ये सीता की सीता जी की तरह है तो सीता जी कहने का मतलब ये है कि वो एक सिंबल है जो आर्टाव भी एक हम सिंबल की तरह ही उसे कंसीडर करते हैं ओके okay? जिसकी पेरीमोडिकल इमेज है कैरेक्टर है जो कि एक सर्कन टांसेस होता है जो कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के सिचुएशन पर कंसीडर हम करते हैं जैसे अगर हम किसी मान लीजिए अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्लड का प्रलय का तो अगर हम उसे हिंदू मैथोलॉजी में बोलेंगे कि अगर प्रलय आ रहा है तो उसे आ, मतलब चीज़ों का रीबर्थ हो रहा है मतलब प्रलय आया और चला गया फिर जो चीज़ें आएंगी जो चीज़ें उसमें से निकलेंगी प्रलय के बाद फ्लड आया सारी चीज़ें बाहर ले गया फिर उसके बाद नए नए पेड़ पौधे नई नई चीज़ें उगेंगी पुरानी सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी उसको कहते हैं ऐसे ही अगर हम लोग उसको आ, मतलब अगर किसी और मैथोलॉजी में अगर हम बाइबल में या फिर इस्लामिक मैथोलॉजी में उसको देखिए तो वो क़यामत बोलते हैं अगर हम फ्ल फ्लड को प्रलय बोल रहे हैं तो वो कयामत बोल रहे हैं अब वो एक ही चीज़ों रहे रहें लेकिन उन दोनों का जो सिंबल है वो अलग अलग है डिफरेंट है आप समझ रहे हैं ना वैसे ही अगर हम कॉमेडी को ले लेते हैं तो अगर हम अगर कॉमेडी का सिंबल हम बात करते हैं तो जैसे जॉनी लीवर को ले लेते हैं वो कॉमेडी का सिंबल है। अगर हम जॉनी लीवर की बात करेंगे तो हमें हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगा कि वो कॉमेडी करता है ना कि वो ट्रेजिडी अगर हम ट्रेजिडी की बात करेंगे तो किसी ऐसे पर्सन का आ जाएगा जिसे हमने किसी हमेशा ट्रेजिक में स्टार में आटनी में देखा है आप तो समझ रहे हैं ना कि दिस इज अर्की ऑफ दिस इज आर्किटाइप मतलब किसी भी सिंबल किसी पैटर्न का जो सरकम होता है यूनिवर्सली कॉन्सेप्ट का सिचुएशन होता है उसको कंसीडर करता है ओके फर्स्टली आर्किटाइप ओरिजिनल पैटर्न एंड मॉडल द सोर्सेज फ्रॉम विच सब्जेक्ट मैटर इज अ फ्रॉम ओके मिथ इज ओरिजिनल पैटर्न एंड मॉडल ऑफ लिटरेचर मिथ इज आर्किटाइप जो मिथ है वो आर्किटाइव है मिथ क्या है इज अ अर्लिएस्ट फ्रॉम वन ऑफ नरेटिव स्टोरी विच इज़ दाई फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइथोस और माइफोस विच ओरिजिनली मीन्स अ टेल्स और समथिंग अल्टरनेट इन अ वाइड एंड रेंज ऑफ सेंस इसका जो आर्किटाइव है उसको हम मिथ से क्या करते हैं रिलेट करते हैं तो मिथ क्या है पहले ये जानते हैं मिथ क्या है एक ग्रीक वर्ड से लिया ग्रीक वर्ड्स है जिसका नाम मै, जिसे मैथोस कहते हैं उससे लिया गया है मैथोस मतलब होता है कि टेलिंग अ स्टोरी इन अ वाइट रेंज फॉर अ प्लेटो फर्स्ट नोन यूजर ऑफ़ द टर्म माइथोलोजिया मिथ द टेलिंग ऑफ अ स्टोरी जो प्लेटो है उनके अकॉर्डिंग जो उनके अकॉर्ड उनके द्वारा फर्स्ट टाइम ये यूज किया गया था टर्म जिसका नाम था मैथोलॉजिया जिसका मतलब होता है टेलिंग ऑफ स्टोरीज ओके सब्सिक्वेंटली द वर्ड एक्वाइड अ मोस्ट स्पेसिफिक कन्वेंशन एंड विच कोड गॉड्स ऑफ सुपर नेचुरल एजेंसीज प्ले द इम्पोर्टेंस रोल अगर हम किसी सुपर नेचुरल एजेंसी मतलब मीडियम होता है अगर उसको देखें जैसे हमने रामायणा बताया ना कि उनके पास कुछ सुपर सुपर पावर होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राम जी वैसे ही हम मिथ मतलब आर्किटाइप्स को कंसीडर करते हैं व्हाट इज अ मिथिकल व्हाट इज अ मिथ मिथ इज लिटरेचर ओके लिटरेचर डील विथ ह्यूमस वैल्यू ट्रू लव कंपेरिजन सेक्रिफाइस इट हैज फिक्शनल कैरेक्टर विच इमेजिनेटी ट्रू इज़ जो आर्किटाइव ऑफ लिटरेचर है इसमें इन्होंने दो टर्म्स बताए हैं फर्स्ट जो टर्म्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया है कि जो ह्यूमंस हैं जो ह्यूमंस हैं और एनिमल हैं वेजिटेशंस हैं मिनरल्स हैं है उन्होंने उसको अ, अ, समर से कंजी समर से उसको रिलेट किया है कि जब अगर हम ह्यूमन को अगर हम ह्यूमंस uh, को उन्होंने समर से मतलब उसको समर uh, से uh, मतलब ह्यूमन एनिमल वेजिटेशंस मिनर और वाटर uh, को इन्होंने फर्स्टली तो सारे सीजन से कंपेयर किया सेकेंडली उसको दो फॉर्म में बांटा है एक कॉमिक एक ट्रैजिक अगर हम कॉमिक चीज़ में देखें तो ह्यूमन अगर किसी ह्यूमन को हम दो फॉर्म में देखें ट्रैजिक और कॉमिक में तो ह्यूमन जो ह्यूमन है अगर हम ट्रेज कॉमिक uh, की बात करेंगे तो एक इंसान हंसता हुआ दिखेगा हमें जो कि हमें डिनोट करता है कि वो कॉमेडी है कॉमिक है लेकिन उसे हम ट्रैजिक फॉर्म में देखें तो वही इंसान हमें रोता हुआ या फिर सैड uh, सा uh, ऐसा बैठा हुआ दिखेगा ठीक है अगर हम एनिमल की बात करें हैं तो कॉमिक अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कॉमेडी को रोमांस से मतलब ऐसा उसमें बताया है आगे हम आपको बताएंगे तो ऐसे हम अभी ऊपर ऊपर से रिका बता रहे हैं कि आप समझ पाओ फिर उन्होंने जो एनिमल को अगर हम कॉमिक और ट्रेजिक में, में देखें तो एनिमल अगर हम कॉमिक में देखते हैं तो हमें कोई शिप गोट ऐसा दिखेगा जो कॉमिक हो अगर हम ट्रेजिक में देखते हैं वाइल्ड तो हमें लॉयन उल्फ वगैरह ऐसे दिखेंगे वैसे ही अगर हम वेजिटेशन वेजिटेशंस की बात करें तो हमें लेक्स और ग्रीनरी दिखेगी अगर वही हम ट्रेजिक में बात करेंगे तो हमें डार्कनेस दिखेंगे फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट वग़ैरह दिखेंगे अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमें पीसीस स्टोन्स दिखेंगे पीसीस स्टोन्स होते हैं ना जो वो दिखेंगे अगर हम उसके ट्रेजिक वे में बात करें तो हमें रॉक या फिर बड़े बड़े माउंटेंस दिखेंगे वैसे है और अगर हम वाटर्स की बात करें तो हमें लेक रिवर ये दिखेंगे और अगर हम ट्रेजिक वे में बात करें तो हमें वो स्ट्रेम्स ओशियन स्ट्रोम वगैरह दिखेंगे असीज दिखेंगे है ना आप समझ रहे हैं तो चलिए हम बताते हैं इसका जो मेन फॉर्म है वो कैसे है ओके फर्स्टली द टिपिकल फॉर्म ऑफ मिथ बिकम अ कन्वेंशनल जनरा ऑफ लिटरेचर देयर आर अ फोर नरेटिव जनरा कॉमेडी रोमांस ट्रेजिडी आयरनी एंड सटायर ओके दीज आर डिसप्लेस मोस्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ऑफ मिथ एसोसिएसड विथ दस सीजनेबल साइकल ऑफ स्प्रिंग समर एटनम एंड विंटर इनका जो फोर टाइप का फॉर्म इन्होंने दिया है मिथ को मिथ में जो पहला है कॉमेडी रोमांस ट्रेजिडी एंड आयरनी स्टायर इसको इन्होंने सीजनेबली वे से कैलकुलेट किया है जिसको इन्होंने कॉमेडी को किसे स्प्रिंग से और रोमांस को समर से और ट्रेजिक को एटनम से और आयरनी और स्टार को विंटर से रिलेट किया है ओके जैसे अगर हम कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी अगर लिटरेचर में हम बात करें तो कॉमेडी को हम स्प्रिंग से देख रहे हैं जिसको हम चाइल्डहुड से डिनोट करेंगे और रोमांस को हम समर से देख रहे हैं जिसको हम मैरिज से डिनोट करेंगे ट्रेजिडी को हम एटनम से देख रहे हैं जिसे ओल्ड एज से डिनोट करते हैं और आयरनी को हम विंट विंटर से डिनोट करें जिसको हम किसको डी जनरेशन ऑफ लाइफ से देख रहे हैं ओके मिथ हैज नो एक्सिस्टेंस आउटसाइड कंसेंस विथ हैव थ्रू प्रोसेस स्लोली एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंस माइंड एंड आइडिया हिस्स प्रोसेस इज सक्सेस ऑफ प्रिटेंशन ऑफ कैन नॉट है रिप्रजेंट एज अ सच मस्ट हैव बी रियली टेकन प्लेस मस्ट रियली अकर्ड इन Uh, consciousness is associate the individual mind and universal phenomena myth is a process of identification with involve perceptions that incorrect itself acts of facts a range of human consciousness history patterns of past which fine expression in which that life in social context that's present in past अगर हम मिथ की बात करें तो हमारी माइथोलॉजीज़ में हमारे जो सब सबकॉन्शियस माइंड है उसमें किसी भी माइथोलॉजीज़ को लेके हमारे माइंड में कुछ सिंबल्स ऐड है पहले से ही जैसे हमने राम की बात की तो राम को अगर हम कोई राम बोलता है तो हम जानेंगे कि वो एक सत्यवादी थे पुरुषोत्तम थे ऐसा वो सिम्बल हमारे माइंड में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड है ऐसा ये होता है मत ये होते हैं की मतलब अगर हम कोई बोले कि किसी की आइडेंटिटी किसी की आइडेंटिटी दे रहा है तो हम हमारे मन में पहले से ही हमारा पास्ट कॉन्शनस उसमें है कि अगर कोई राम बोल रहा है तो उसका सिंबल क्या क्या है हमारी माइंड में पहले से ही सब कॉन्शियस माइंड में वो फिक्स है मेथ इस प्राइमरली सर्टेन टाइप ऑफ स्टोरी विच व सम ऑफ द चीफ कैरेक्टर्स आर आर गोड्स एंड द अदर ब्रिंग टूगेदर इन अ पावर ऑफ दन माइथोलॉजी द ग्रोइंग सिस्टम ऑफ द मेथिकल टेस्ट इंड कलेक्ट माइथोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ब्रिंग टू गेदर द ह्यूमन फ्रॉम अर नेचुरल कॉन्टेक्ट मिथ इन्होंने ओके तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने जो लिटरेचर्स की फॉर्म है उसे सीजनेबल वे में कैसे कनेक्ट किया है ओके okay? फर्स्ट जो है वो है कॉमेडी एज अ अलाइन विद अ स्प्रिंग बिकम अ जनरल ऑफ कॉमेडी एज कैरेक्टराइज्ड बाय बाई अ बर्थ बर्थ ऑफ द हीरो रिवील एंड रिजोल्यूशन ऑल्सो स्प्रिंग सिम्बलाइज द डिफेक्ट ऑफ विंटर एंड डार्कनेस Romance and summer are paired together. Summer is a sa accumulations uh, of life is a reason of calendar. The romance genre, a uh, uh, genre with the sum, uh, sum of usually a marriage. Atom is a dying stage of this. The reasonable calendars which parallels the tragedy genera satire and dissonance of mocking from other genera it is noted for the darkness, dissolution and return of the chest defected on the heroic figure. Next Johe ये हो गए जो लिटरेचर्स फॉर्म दिए उन्होंने और उन्होंने ए, एक और फॉर्म दिया था जिसको उन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनरा डिटर्मिनेशन हाउ सिंबल द इमेज ऑफ स्टार टू बी इंटरप्रिटेड फ्रैंक आउटलाइन फाइव डिफरेंट फ्रेजेस इन हिज सीम्स ह्यूमन एनिमल वेजिटेशन मिनरल एंड वाटर द कॉमेडी the comedy humans were in represent which uh, represent of which influentials and being commit community entered in the contracts the tragic human word of the isolation tragic of fallen hero okay animal in the comedic genre are the deals uh, deal and postent prosten example to ship we are animal to pretentory and hunter in the tragic example walls अगर हम एनिमल्स uh, को कॉमेडी वे में देखें तो हमें शेप वगैरह दिखाई देंगे मैंने आपको पहले बताया था अगर हम ट्रेजिक वे में उसको देखते हैं तो हमें वोल फॉल्फ ये सब दिखाई देंगे फॉर द रियल ऑफ द कॉमिक इज गेन पोस्ट पोस्ट आट बट ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई गार्डेंस पार्क रॉक्स लेकर्स एंड एंड एज अ फॉर ट्रेजिक वेजिटेशन इज वाइल्ड फॉरेस्ट और द बिंग बैरन अगर हम वेजिटेशन्स को देखते हैं तो हमें लेक्स रिवर्स ये सब दिखाई देंगे अगर हम उसे ट्रेजिक फॉर्म में देख रहे हैं तो हमें वाइल्ड फॉरेस्ट डिजर्ट वगैरह दिखेंगे ये सब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो सिटीज़ टेम्पल और स्पीसियस स्टोन रिप्रजेंट द कॉमेडिक मिनरल रेलम, द ट्रेजिक मिनरल रेलम द ट्रेजिक मिनरल रेलम इज़ नोटेड फॉर द बिंग डेजर्ट रें ऑफ अ सिनस्टर्स जोमेट्रिक इमेज अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमें पीसेज स्टोन्स दिखते हैं अगर हम कॉमिक वे में बात करें अगर ट्रेजिक वे में बात करें तो हमें वो लेक रॉक ऐसा दिखते हैं ओके नेक्स्ट है जो कि लॉयल्टी वाटर की बात करें अगर हम वा, वाटर को कॉमिक फेम में देखते हैं तो हमें लेक और रिवर्स ये सब दिख रहे हैं अगर हम उसे ट्रेजिक वे में बात करते हैं तो हमें शीज़ स्पेशली फ्लड फ्लड्स दिखाई देखते हैं जो सिग्निफाइज है वाटर स्फ़ेयर का ओके दिस इज़ ऑल अबाउट द ये था पूरा जो इसमें था आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ और अगर नहीं समझा पाई हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आर्की है और आर्की टाइप अगर आप समझ गए कि वॉट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ आर्की टाइप मतलब किसी भी चीज़ का संबल जैसे कि जैसे कि अगर हम किसी मतलब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे अगर किसी ने फ्लड बोल दिया तो हम हम इमेजिन कर रहे हैं कि फ्लड मतलब बहुत सारा पानी सब बर्बाद सब मित हो गया सब बेकार हो गया है वैसे अगर हमारे मन में, में कोई बोलता स्प्रिंग तो हमारे माइंड में है कुछ कुछ सिंबल्स हैं स्प्रिंग मतलब नई नई पत्तियाँ नए फूल हर तरफ एकदम खुशहाली ऐसा कुछ सिंबल्स है ना स्प्रिंग को के दैट्स लाइक वैसे ही सेम ऐसा है लिटरेचर में भी उन्होंने लिटरेचर के फॉर्म को सीजनेबल वे से कनेक्ट किया है और उन दोनों का डिफरेंस बताया है ओके okay? uh, जैसे कि कॉमेडी अगर लिटरेचर में कॉमेडी रोमांस ट्रेजिडी आरनी होता है तो उसे हम नेचुरल वे में स्प्रिंग समर एटनवा और विंटर में उन्होंने कैसा कंसीडर कर रहा है वो उन्होंने पूरा इसमें बताया है और उसका उनका कुछ कॉन्सेप्ट था जो एनिमल एनिमल था और ह्यूमन वेजिटेशन मिनरल एंड वाटर था उसका भी उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया ठीक है ठीके?